आज उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत नामांकन करेंगे। सीएम हरीश रावत किच्छा विधानसभा सीट से आज नामांकन करेंगे, वहीं किशोर उपाध्याय की बात करें तो सहसपुर सीट से पर्चा भरेंगे। सहसपुर सीट को लेकर हालांकि काफी विवाद भी रहा है, स्थानीय कार्यकर्ता किशोर उपाध्याय को टिकट दिए जाने का विरोध भी करते रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और झारखंड बीजेपी प्रभारी त्रिवेंद्र सिंह रावत आज डोईवाला सीट से पर्चा भरेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत के नामांकन में झारखंड के सीएम रघुवर दास भी पहुंचेंगे। तो उत्तराखंड में कांग्रेस बाजी मारेगी या बीजेपी कमल खिलाएगी, इस सवाल के जवाब के लिए 11 मार्च तक तो इंतजार करना होगा। लेकिन एक शख्स जिसके साख सबसे ज्यादा दांव पर लगी है वो उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत। क्या हरीश रावत उत्तराखंड में कांग्रेस को दोबारा जीत दिला सकते हैं? हरीश रावत आज उधम सिंह नगर जिले की किच्छा विधानसभा सीट से अपना नामांकन करेंगे। हरीश रावत करीब दोपहर 12:15 बजे से यहां पर 12:30 बजे तक रोड शो भी करेंगे और इसके बाद 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच पर्चा दाखिल करेंगे। पर्चा दाखिल करने के बाद दोपहर 3 बजे खटीमा से हरीश रावत एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि हरीश रावत इस बार 2 सीटें हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा से चुनाव लड़ रहे हैं और 2 सीटों के साथ साथ पहाड़ की जगह मैदानी सीटों से लड़ने को लेकर हालांकि हरीश रावत विरोधियों के निशाने पर भी हैं। तो हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। फरवरी 2014 में विजय बहुगुणा को हटाकर कांग्रेस ने हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया था। पिछले साल मार्च में कांग्रेस के 9 विधायकों की बगावत के चलते रावत सरकार अल्पमत में भी आ गई थी। मोदी सरकार ने इसके बाद यहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक फिर ये मामला पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर फ्लोर टेस्ट हुआ और इसके बाद 11 मई को जाकर हरीश रावत ने विधानसभा बहुमत साबित कर दिया। तो चलिए हम रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ। कांग्रेस में कौन कौन नामांकन करेगा इस पर भी हम अपडेट लेंगे। मयंक राय हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और साथ ही कुलदीप नेगी हैं। मयंक, पहले आपके पास आऊंगी। आज का दिन उत्तराखंड के लिए खास है क्योंकि जो तमाम दिग्गज हैं वो आज नामांकन भरने जा रहे हैं और उसमें जो सबसे प्रमुख नाम है वो है मुख्यमंत्री हरीश रावत का किच्छा विधानसभा सीट। हालांकि ये हॉट सीट भी बनी हुई है क्योंकि अब मुख्यमंत्री ही इससे नामांकन भरने जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो तमाम बातें भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं क्योंकि इस सीट को लेकर दावेदार भी बहुत थे, कयास भी लगाए जा रहे थे और उन कार्यकर्ताओं को उम्मीद भी थी कि वो उन्हें ये सीट मिलेगी। लेकिन अब अंदरूनी तौर पर देखा जाए क्या उन कार्यकर्ताओं में उतना ही उत्साह देख रहा है क्योंकि अब मुख्यमंत्री इससे अपना नामांकन भरने जा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं एक जो आंतरिक दर्द है कार्यकर्ताओं के बीच का वो भी कहीं ना कहीं झलक रहा है, क्या कुछ दिख रहा है? देखिए शिल्पी, दो अहम बातें हैं। पहला तो ये कि मुख्यमंत्री हरीश रावत आज किच्छा से नामांकन कर रहे हैं। दूसरा, पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय आज सहसपुर विधानसभा के लिए विकास नगर तहसील में नामांकन करेंगे जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। किच्छा से हरीश रावत ने अपनी दावेदारी इसलिए की है क्योंकि जो कुमाऊं का तराई बेल्ट है यहाँ पे कांग्रेस काफी कमजोर है। जो 9 जनपद उधम सिंह नगर की जो 9 सीटें हैं वहां पे कांग्रेस के पास 9 के बराबर सीटें, आज की डेट में अगर हम बात करें तो केवल 1 सीट थी और वो यशपाल आर्य भाजपा में शामिल हो चुके हैं। दूसरा, किशोर उपाध्याय के लिए सहसपुर काफी चैलेंजिंग माना जा रहा है क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम पिछले 4-5 दिनों के अंदर हुआ है देहरादून में, आपने देखा होगा कि कांग्रेस मुख्यालय में तोड़फोड़ तक की गई, तो आज किशोर उपाध्याय यहां से नामांकन कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि जो आर्यन शर्मा और उनके समर्थक हैं वो क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं। दूसरी बात, अगर हम हरीश रावत की बात करें तो हरीश रावत असल में इफेक्ट करना चाहते हैं जो कुमाऊं का तराई बेल्ट है पूरा वहां पे, क्योंकि कांग्रेस वहां कमजोर है। दूसरी सीट उन्होंने चुनी है जहां 27 को नामांकन करेंगे वो हरिद्वार का ग्रामीण क्षेत्र है। हरिद्वार में भी कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हरीश रावत खुद दोनों जगहों पे इसीलिए आ रहे हैं कि एक सीएम होने के साथ ही कांग्रेस के सबसे बड़े नेता इस समय उत्तराखंड में है, उनकी वजह से शायद कांग्रेस को जो आसपास की सीटें हैं इन दोनों ही जिलों की अगर बात करें वहां फायदा मिल पाए। किच्छा में बात करें तो किच्छा एक इम्पोर्टेंट सीट है वहां की, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि
कांग्रेस के लिए स्थितियां यहां पे बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। जब से यशपाल आर्य भाजपा में गए हैं कांग्रेस के लिए चुनौतियां बल्कि दोगुनी हो गई हैं, ये कहा जा सकता है। यही वजह है कि हरीश रावत ने खुद यहां से मोर्चा संभाला है कि तो तराई की ये बेल्ट है उसमें कांग्रेस को बढ़त दिला सके। लेकिन जो सबकी नजरें लगी हुई है, अगर हम बात करें शिल्पी, वो सहसपुर का विधानसभा क्षेत्र, जो देहरादून का एक विधानसभा क्षेत्र, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। चार दिन की तोड़फोड़ के बाद आज ये तय हो चुका है कि किशोर उपाध्याय से नामांकन भरेंगे। अब ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि आर्यन शर्मा को मनाने की कोशिशें पूरी की जा रही है, वो मानते हैं या फिर वो निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे अपना नामांकन करते हैं। जी बिल्कुल, तो दोनों ही सीट्स इम्पोर्टेंट है, किच्छा विधानसभा और साथ ही साथ सहसपुर, जहां से किशोर उपाध्याय आज अपना नामांकन भरेंगे। चलिए बने रहिए, हम रुक करते हैं कुलदीप नेगी भी है हमारे साथ। कुलदीप, ये बताइए बीजेपी की तरफ से आज कौन कौन अपना नामांकन भरने जा रहा है? देखिए, नामांकन के लिहाज से अगर बात करें तो आज बीजेपी के लिए बड़ा दिन है। तकरीबन 26 बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो आज नामांकन करने जा रहे हैं, जिसमें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि बीजेपी के झारखंड के प्रदेश प्रभारी हैं वो नामांकन करने जा रहे हैं, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास पहुँच रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री खजान दास आज नामांकन करेंगे। धन सिंह रावत जो कि श्रीनगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो आज नामांकन करेंगे। पूर्व मंत्री मदन कौशिक आज नामांकन करेंगे। इसके अलावा DDR सीट से पूर्व मंत्री और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल वो नामांकन करेंगे। तो कुल मिलाकर 26 लोग हैं बीजेपी के जो आज नामांकन करने जा रहे हैं, और इसमें कई जगहों पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहेंगे। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा खुद देहरादून में पिछले 2-3 दिनों से, और लगातार वो पार्टी के नेताओं से संपर्क भी साध रहे हैं, रूटों को बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, और नामांकन जहां जहां हो रहे हैं उनमें शामिल भी हो रहे हैं। तो तकरीबन बीजेपी के जो 2 दर्जन से अधिक उम्मीदवार हैं वो आज नामांकन दर्ज अपना करेंगे। और इसके साथ ही बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक की एक सूची भी जारी की है। 40 स्टार प्रचारक बीजेपी ने तैयार किए, यानी कि अब नामांकन के बाद सीधे तौर से बीजेपी स्टार वॉर में जुटने वाली है, और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड में कार्यक्रम लगाने की भी बीजेपी की योजना है कि ज्यादा से ज्यादा उनके कार्यक्रम उत्तराखंड में लगाए जाए, चाहे वो मैदानी जिले में हो, पहाड़ी जिलों में हो, और एक कोशिश है कि पूरा माहौल बनाया जाए। इस स्टार प्रचारकों की सूची में 1 दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्रियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा 15 तारीख को चुनाव और उससे पहले पूरी तरह से शोर से चुनाव प्रचार प्रसार, और आज का दिन तो वैसे भी अहम है नामांकन के लिए बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी। दिग्गज आज मैदान में उतरेंगे, नामांकन पर्चा भरेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।